भाई पीछे आ जा यार, अरे इसे मजा नहीं आएगी ना, फोटो नहीं आ रही है। माता तो एक मर्डर हुआ था, भाई पीछे कर लो भैया। रिटायर्ड आईएएस कंपनी का, उसके बाद में जो है सीपी महोदय के द्वारा विजिट किया गया और वहाँ पे जो है निर्देश दिए गए समस्त टीमों को, और इसमें तकरीबन 6 टीमें लगी थी वर्कआउट करने के लिए। और जब वहाँ पे मौके पे 2-3 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे रहे, तो कुछ एक चीज़ें प्राथमिक दृष्टि पे हमको समझ में आई वहाँ पे, या कुछ ऐसी लीड्स मिली जिसको हम लोगों ने फॉलो किया, हमारी टीम ने फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद में जो है हमारे को जब पूछताछ के लिए 2-3 संदिग्ध हमने इसमें लिए, तो हमको ये पता चला कि इसमें कोई ना कोई इंसाइडर इन्वॉल्व है। उसी के आधार पर उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उस पर 3 गिरफ्तारियाँ हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव, और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियाँ हुई है, और इनके पास में से जो वहाँ पे लूटिंग पे प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो DVR है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है, और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसके अंदर जो है जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको TB की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से, तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का कर्ज है, इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपए लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे, तो उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा, और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी उनके यहाँ पे जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता, तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गया है ऊपर जो है अखिलेश गया है उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है, एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पे है वो पहले देखती थी, तो उसी के ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए। उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए, ये दोनों वहाँ के अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज अ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पांव चरण छुए, उसके बाद में एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया, उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में क्योंकि अखिलेश जो है वो 13 साल से इनके यहाँ पर घरेलू काम कर रहा था, और उसने समय समय पर देखा था कि जेवरात और अन्य जो इम्पोर्टेंट वस्तु हैं वो घर पे कहाँ रहती है और चाबी के गुच्छे कहाँ पर, तो वहाँ पे हमको मौके पे काफ़ी चाबी के गुच्छे मिले थे और चाबियों को ही यूज़ करके अलमारियाँ खोली गई थी, तो उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी कोई ऐसा अंदर का कोई व्यक्ति है जिसको इसकी पूरी जानकारी है। उसके बाद में इन लोगों ने तकरीबन 40-45 मिनट उस पूरे घर में उन चाबी के गुच्छों से अलमारियाँ खोली, और जो कीमती सामान था उसको एक CCTV DVR को जो है वहाँ से हटा करके अपने बैग में डाला, और उसके बाद में वो स्कूटी लेकर के और वो जो है अपने अपने गंतव्य स्थान को अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद में जो है अखिलेश ही वापस आया, रवि ने अखिलेश को फ़ोन किया, अखिलेश वापस आया, अखिलेश ने चौकी पे जा कर के नंबर लिया, चौकी प्रभारी को सूचित किया। उसके बाद में जो दुबे जी हैं जो हमारे वादी भी हैं उनके साथ में ये साथ में ही रहे ये देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें अगर पुलिस कोई लीड पर पहुंच रही है तो क्या कर सकते हैं। इस जब इसी तरह से हम लोगों को
ये पूरा घटनाक्रम इन लोगों ने बताया है। इसमें वही मैं आपको जो बता रहा हूँ, तीन गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने की है, अखिलेश यादव की, रवि यादव की और रंजीत की। और बरामद की तकरीबन हमको 1 करोड़ के अंदर इसके अंदर जेवरात मिले। इसमें डायमंड्स के ज़्यादातर जेवर हैं जो डायमंड्स के हैं। उसके अलावा फॉरेन करेंसी थोड़ी बहुत हमको मिली है, जिसमें US डॉलर है तकरीबन 100 वैल्यू के 15 US डॉलर है, सिंगापुर डॉलर है, मलेशियन है करेंसी है। ये सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी भारी मात्रा में उसकी रिकवरी हुई है। इनके 2 मोबाइल मिले हैं और जो स्कूटी जो इसमें यूज़ हुई थी वो हमारे को मिली थी। इसी के दौरान जो है अभी जब उसको रिकवरी कराने के लिए DVR और उसकी रिकवरी करवाने के लिए अखिलेश को ले जाया जा रहा था, तो उसके कुकरेल के पास में, बंदे के पास में उसने वहाँ पर बैग छिपाया था, जो स्काई वाला बैग था, काले वाला, जिसमें DVR भी था और CCTV भी था। उसमें जब पुलिस ने उसको वहाँ पे रिकवरी के लिए लेके गए तो उसमें बैग में से एक तमंचा उसके पास रखा हुआ था जो इनके पास में था, उसके उसमें से उसने निकाल करके पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई में उस फायर किया तो उसके जो है पाँव में गोली लगी है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया चिकित्सा के लिए। और बाकी जो रवि और रंजीत है वो अभी हमारे पास में है और इनको तीनों की जो है अभी कस्टडी रिमांड लीजिए। थैंक यू। नहीं देखिए, इसमें जो ये था कि दोनों को पता था, रंजीत को भी पता था, अखिलेश को भी, जो हमने प्राथमिक तौर पे पूछताछ की है वो ये था क्योंकि वो महिला जो है अखिलेश को जानती थी, तो अगर वो लूट होती तो वो 100% बताती कि अखिलेश ने लूट की है। तो ये पहले से ही उनको पता था कि इसमें मर्डर भी उनको करना है। और रंजीत को भी उसमें बताया गया था इसके अंदर कि वो उस समय अकेली रहेगी, तो उनका जो है लूट और मेन इसमें जो है उनका उद्देश्य लूट का ही था, दोनों का, अखिलेश का और रंजीत का और रवि का। सब प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया गया है कि रवि की तरफ से बोला गया था कि महिला अकेली है, जब जाना तो मार जरूर देना मैडम, तो इस बात का जिक्र है। वो मैंने आपको बताया ना, जब ये प्लानिंग के स्तर पे ही उनको एकदम क्लैरिटी थी इस चीज़ की, उसमें उनको कोई संशय नहीं था कि यार एकदम से जैसे वो आए, तो वो उसको पहले से ही पता था कि अखिलेश को वो वैसे भी शक्ल से जानती है, तो इनकेस अगर वो उनको जिंदा छोड़ेंगे तो इतनी बड़ी अगर लूट कारित कर रहे हैं तो वो सबसे पहले पुलिस को अखिलेश का ही नाम बताएं। सर कितने दिनों से पहले प्लानिंग करा रहे हैं, क्या प्राथमिक नहीं, अभी प्राथमिक दृष्टि पे अभी ऐसा कोई आपराधिक इतिहास उसका संज्ञान में नहीं। सर अंजाम देने के दिनों से ही प्लानिंग कर रहे थे, आखिरी प्लानिंग कितने दिनों से कर रहे थे घटना को अंजाम देने के लिए? ये तकरीबन इनका द्वारा बताया गया है कि 10-15 दिन से इन लोगों ने प्लानिंग की है, और बीच में रंजीत को भी इन्होंने बुला करके जो है बिठा करके बात करी थी, और इन्होंने बताया था टाइमिंग इनको उसी तरह की टाइमिंग चाहिए थी या उसी तरह का एक दिन चाहिए था जब घर में कोई नहीं रहता। इनकी मेड्स रहती है यहाँ पे, इनके यहाँ पे माली जो है वो तकरीबन 11 बजे के करीब डेली आता है, तो इनको टाइमिंग और प्लस इनको डेट भी वही चाहिए थी जहाँ पे इनको 2 से 3 घंटे का एकदम टाइम मिले, जिसमें मृतका जो है वो अकेली ही करते हैं। मेड शनिवार के दिन छुट्टी पर रहती है, यानी मेड उनको पता उस दिन गई हुई थी, एक शादी थी उनके परिवार में इसलिए छुट्टी पे गई थी। और अखिलेश 13 साल से उन्हीं के साथ नौकरी करता है, तो अखिलेश को पूरी डिटेल पता थी कि इसमें जो है वो सरिता नाम की जो मेड है वो छुट्टी पे गई हुई। सर अखिलेश और रंजीत सर कहाँ कहाँ गए थे घटना पारित करने के बाद, फिर जब अखिलेश वापस हुआ तो कितना टाइम मेंटेन लगा उनको जाने और आने में? समझा नहीं आपको। अखिलेश और रंजीत ने सर घटना की घर के बाद से वो लोग गए, फिर रंजीत भी अखिलेश वापस आया था ना सर जब? हाँ अखिलेश आ गया था तकरीबन। कितना समय लगा और गया सर कहाँ था? गए वहीं पे थे उन्होंने, फिर उसके बाद में जो है अलग अलग चीजें जो थी उनको छुपाया पहले वहाँ पे, फिर जाकर के घर में वो रंजीत अपने घर पे रहने लग गया, क्योंकि रंजीत की कोई नोट रंजीत को कोई नहीं जानता था उस समय, ना परिवार का कोई व्यक्ति जानता था उसको, उसने हायर किया था। और अखिलेश जो है वो वापस जो है आ गया था, और वापस उसके बाद परिवार के साथ में रह करके जो अंतिम क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार होते हैं वो सारा उसने किया। और रंजीत पूरा उन्होंने ये जो थैला था जेवरात वाला वो वहीं पे पास में झाड़ी में गाड़ दिया था, तो अभी इनके बीच में कोई हिस्सेदारी बटी नहीं थी, ये सारा माल जो है ये एक साथ ही रिकवर। सर ये जो बरामदगी 1 करोड़ की जेवरात की बात कर रहे हैं सर, यही ये अमूमन है, ये एग्जैक्ट नहीं है बट हाँ इट इज नॉट एग्जैक्ट अमाउंट, बट जिस हिसाब से हमारे को लगा है उस हिसाब से लगता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने फ्लैट देखा था, तो पैसे आए थे तो आरोपी को पता था कि फ्लैट के बाद ये पैसे यहाँ रखे गए हैं, या वो तकरीबन 4-5 महीने बिका था, और वो जो है उसका डिवीजन जो है जो जैसा कि दुबे जी ने बताया था उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को भी दिया था, और एक क्या है उनके पास में पड़ा हुआ था, वो उससे संबंधित कोई कैश इसमें नहीं मिलता है, वो उनका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। फॉरेन करेंसी जब बरामद हुई है, ये फॉरेन करेंसी देवेंद्र दुबे जी के पास कैसे थी? ये तो कोई अगर ट्रैवल करता है तो कुछ 100-200 रुपए का फॉरेन करेंसी ले सकती है, इतनी हैवी करेंसी नहीं है, 1200 डॉलर्स के। तो अखिलेश को सर ये नहीं लगा कि हम बाद में पकड़े जाएंगे, इतनी बड़ी घटना करेंगे, IAS की बीवी को मर्डर करेंगे?
उसको कभी मतलब उसके इतना प्लान तो किया लेकिन उसको डर नहीं होना चाहिए था आप लोगों को बताया उसने कभी नहीं साइकोलॉजिकली तो होना चाहिए था बट वो उसका ये था टीम के अलावा भी कोई है सहयोगी इनका किया हो या अभी तक तो प्रथम दृष्टया जैसा मैंने आपको बताया विवेचना तो प्रचलित ही है अभी हम लोगों ने जितनी प्राथमिक तौर पे पूछताछ की है उतना आपको बताया बट अगर आगे कुछ भी इस विवेचना में कोई भी ऐसे नए डेवलपमेंट होते हैं या कोई नई चीज आती है तो आपको अवगत कराएंगे धन्यवाद जो फुटेज जो की मिली है उसमें आपने देखा होगा कि सामने बैठे वाले आदमी ने कभी अपना हेलमेट नहीं उतारा पीछे बैठा हुआ जो आदमी है उसने गर्मी के कारण कही है या अपने अनुभवहीनता के कारण अपना हेलमेट उतार दिया था जिसके कारण बहुत सारे लीड्स मिले थे और क्रिमिनल्स को तो ये लगता ही है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे और अगर पीछे वाला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं उतारता तो परिस्थितियां और दूसरी क्योंकि और समय लगता उसमें मृतका की हत्या ही उसी लिए हुई थी ताकि कोई उसको पहचान नहीं सकता सर आगे अखिलेश था पीछे रंजीत हाँ देखिए पीछे रंजीत है वो तो आपको फोटो से देख सर ये जो असलाह बरामद हुआ है एक ही कॉलोनी में आस पास रहते हैं थैंक यू पीछे हो जाओ यार भैया।